तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से युवाओं को लेकर जो बयान दिया गया था जब वो काशी पहुंचे थे अपनी यात्रा को लेकर, उस दौरान जो बयान दिया गया था, अब स्मृति ईरानी ने उस पर पलटवार किया है। उन्होंने इसे युवाओं का अपमान बताया है। उन्होंने कहा है कि विष भरा हुआ है राहुल गांधी के बयान में और वो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इस तरीके के आरोप स्मृति ईरानी की तरफ से लगाए गए हैं। उधर वाराणसी पर राहुल गांधी के बयान को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा है। उन्होंने राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी तंज कसा और कहा कि कांग्रेस को जनता नकार चुकी है। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी जब काशी पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन अब इस पर सियासी सरगर्मी भी नजर आ रही है, सियासी बयानबाजी हो रही है। उधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इसको लेकर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी तंज कसा है और कहा है कि कांग्रेस को जनता नकार चुकी है। जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। उत्तर प्रदेश के युवाओं में, नौजवानों में बहुत ऊर्जा है और वो उत्तर प्रदेश को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इस प्रकार के युवाओं के संबंध में बयान देना, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है।